विपक्षी पार्टियों को धरना देने से रोक रही त्रिपुरा की बीजेपी सरकार को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। रविवार को उस समय राधा किशोरपुर थाना परिसर में तनाव फैल गया जब कांग्रेसी नेताओं ने थाने का घेराव किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि काफी समय पहले अनुमति मांगने के बावजूद पार्टी को उदयपुर में भारत बचाओ आंदोलन के तहत विरोधी रैली निकालने नहीं दिया गया। यह पहली बार नहीं है बल्कि जब से नई सरकार सत्ते पर आई है हमें रैली निकालने की अनुमति नहीं मिल रही और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मानुष परिवर्तन चाहिए, हम लोग चाहिए, जनगण बीजेपी के विकल्प ग्रहण करे, जनगण सीपीएम के विकल्प हिसाब से बीजेपी जोड़ते ग्रहण करे, कांग्रेस के पहले नहीं, हम लोग माता पेटे नहीं थे, किंतु देखा गया चार मास मध्य में मानुषर मोह भंग हो गया, बीजेपी के हताश। थाना का घेराव करने से पहले कांग्रेस ने कांग्रेस भवन के सामने धरना भी दिया। त्रिपुरा के हज यात्रियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की बीजेपी सरकार अगली हज यात्रा से पूर्व मुस्लिमों के नाम पर हज भवन समर्पित करने जा रही है। उदयपुर में एसडीएम सुभाषिश बनर्जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। हमारे सरकार के पक्ष से आपने जवाब से शुरू करे फिर आशा पर्यंत सरकार दृष्टि परिचर्चा मानुष मार्फते विभिन्न दफ्तर मार्फते अपने सठीक भाव जी सुंदर मत अपना आसते पे अवश्य मन करी दिन के दिन प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम के दौरान ही यह घोषणा की गई कि हज यात्रियों के हज यात्रा के लिए रवाना होने से पहले इसी महीने हज भवन का उद्घाटन किया जाएगा। हज यात्रियों को कई उपहार दिए गए। मंत्री प्रांजित राय ने हज यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। स्वागत अभिनंदन एवं আপনারা সুস্থ শরীরে সবল মনে সুস্থ মনে আপনারা সবাই ফিরে আসবেন এবং আগামী দিনে আমাদের এ রাজ্যের স্বার্থে এই দেশের স্বার্থে আপনাদের এই পরামর্শ এই অভিজ্ঞতা আগামী দিনে আরো বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের আমাদের লোকজনের প্রতি আপনাদের মারফতে তাদের কাছে একটা বার্তা যাবে। ইসাল কুল 150 লোক হজ কে লিয়ে যা রহে হ্যায়। ट्रैफिक पुलिस की परिस्थिति को सुधारने के उद्देश्य से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी 36 स्थानों पर धूप और बारिश की परवाह किए बगैर 3 अलग अलग शिफ्टों में काम कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक खोइसनाम शर्मा देवी दिन रात ट्रैफिक का नियम भंग करने वालों के खिलाफ हरकत में है। ये हमारे ट्रैफिक कंट्रोल विंग जो है ये ग्रेटर इम्फाल को कंट्रोल करती है। इसमें तकरीबन हमारे 500 आदमी डिप्लॉयड है। ये जो 500 आदमी है ये ट्रैफिक पर्सनल हमारे होमगार्ड्स और VDF भी इसमें शामिल है और हम लोग तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 3 शिफ्ट में हम लोग अपने आदमियों को डिप्लॉय करते हैं। आमतौर पर हमारा काम है रेगुलेशन और एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल। इसके अलावा हमारे मोबाइल और बाइक टीम्स रहती है जिनका काम होता है कि ट्रैफिक ऑफेंडर्स को चलान काटना मतलब कि उनको पेनल्टी देना। तो मेनली ट्रैफिक रेगुलेशन जो है हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल विंग करती है वो एनफोर्समेंट के अलावा मेकिंग द रोड सेफ एंड एट द सेम टाइम ऑफेंडर्स को पेनल्टी देना है। राजधानी इम्फाल में जहां 2.65 लाख की आबादी है ट्रैफिक पुलिस के लिए ट्रैफिक पर नियंत्रण करना बेहद मुश्किल हो रहा है। शहर में ट्रैफिक लाइट्स बिगड़े हुए हैं जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस को दिन रात खुद ट्रैफिक पर नियंत्रण करना पड़ रहा है। हर महीने ट्रैफिक पुलिस विंग इम्फाल ने इम्फाल के शहर में जो भी गाड़ियां यानी 2 व्हीलर नहीं तो 4 व्हीलर के गाड़ी में जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लोगों के ऊपर यहाँ पर ड्राइव हर समय चलता आ रहा है। आज भी इम्फाल के शहर में जो भी जितने भी गाड़ियां जो कागजात अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लोगों के ऊपर अभी आपको देखा होगा कि अभी यहाँ पर उसके उन लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लोगों को फाइन भी ले रही है। ये ट्रैफिक पुलिस का एक नियम है जो हर समय मणिपुर यानी इम्फाल में
हर समय हर महीने ये काम करता आ रहा है। इम्फाल से कैमरा पर्सन एबी सोर्जी के साथ न्यूज 18 आपको नोटिस के लिए एनोरे मेटे। सबरू महकमे के मनुबाजार थाना अंतर्गत पूर्वटा का तुलसी एडीसी गांव के मानिक त्रिपुरा नामक व्यक्ति की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी लापता हो गई थी। घटना के 5 दिन बाद लड़की का सड़ा गला शव उनके घर से 300 मीटर दूर एक जंगल से बरामद हुआ। मनुबाजार पुलिस ने शव को बरामद किया। 11 तारीख की शाम से बता रहे हैं इसके घर वाले, और रात में 11-12 की इंटरवनिंग नाइट में 12 बजे पीएस को इन्फॉर्मेशन मिला था 12 बजे के आसपास, तो रात में पुलिस आया, रात में सर्च किया, रात में तो इतना विजिबिलिटी नहीं था तो कुछ नहीं दिख पाया। फिर मॉर्निंग में फिर आया 12 को, मैं भी आया, एसडीपीओ भी था, फिर सर्च किया 12 को पूरा एरिया, फिर 13 को फिर किया है, फिर कल फिर से किया है, कल आए थे फिर हम लोग, वो एक दो लोग हैं जो आसपास के लोग हैं सस्पेक्ट है उनको, एक आदमी को हमने डिटेन भी किया है, और अभी भी दो लोग हैं जो पड़ोसी हैं इनके उनको थाने में लेके गए हैं। और आज सुबह गांव वालों ने को पता लगा कि यहाँ से स्मेल आ रहा है, तो बाद में ये पुलिस आया, फिर ये काट के देखा केला वगैरह, तो यहाँ आज इस बच्ची का डेड बॉडी मिला है। रोजाना की तरह स्थानीय लोग जलाशय से पानी लाने गए थे, उसी समय उन्हें पास के जंगल से दुर्गंध आई। जब लोग वहां गए तो उन्होंने लड़की के शव को देखा और फौरन पुलिस को घटना की सूचना दी। लड़की की मौत किस वजह से हुई, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। दक्षिण जिले के एसपी जैल सिंह मीना ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। दो लोगों पे और डाउट है, एक को हमने पहले ही डिटेन किया हुआ है पूछताछ के लिए, उसको वो हमने पुलिस रिमांड में लिया हुआ है, और दो लोगों पे और हमको डाउट है तो उनको हमने और आज पीएस में लेके गए इंट्रोगेशन के लिए।